गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम अरविंद यादव। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलीमर्स, मोनोमर्स, अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, नाउ टुडे वील स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सिंथेटिक fibers. We have different types of synthetic fibers. Now to start with, first we will start with rayon. Rayon was the first artificial fiber made. It was the first man-made fiber. The raw material used was wood pulp, or we can call it cellulose. Cellulose is a component of plant and is a polymer made up of units of glucose. Cellulose is extracted, purified, and then treated with chemicals to get thick, viscous, honey-colored solutions called viscous. Okay, तो जो रेयॉन जो होता है वो हमारा, वैसे तो it is a synthetic fiber, man-made fiber, but it is obtained from cellulose. Cellulose is a plant material which is natural, but it has to go through all the processes as other synthetic fibers has to follow. Okay, now how rayon is made? Rayon fibers are made by passing the viscous through the fine holes of a shower head like structure called spinneret. Okay, next then they are hardened by passing them through sulfuric acid bath. Okay, after that they are finally spun into rayon yarns. So rayon is also known as regenerated fiber. As cellulose, the original raw material is broken down and then reformed. The three types of rayon are viscous rayon, cupramomium rayon, and high wet modulus rayon. These are the three qualities of rayons we can find. Now next thing is, now we'll discuss about the uses of rayon. Firstly, rayon is a soft, comfortable to wear and absorbent like cotton. Bahut hi comfortable hota hai, so it is used in good fabric for clothing. Next, rayon is called artificial silk as it has the shine of silk. It also drapes like silk, but it is much cheaper, so it is therefore a good fabric to make fashionable garments. Next use of rayon is due to strength and shine. It is used for home furnishing such as bedspreads, curtains, carpets. Strength होती है, चमक होती है, जिसके कारण जो है वो किस में, घरों में, पर्दों में, बेडशीट्स में, कालीन में, कारपेट्स में इस्तेमाल होता है. Next use of rayon is, since it is very strong and stable fiber, it is used to make automobile tire cords. टायर कॉर्ड्स आपने देखे जो गाड़ियों में टायर होते हैं, उनका इस्तेमाल में भी रेयॉन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेयॉन जो होता है वो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. सो दीज वर द यूजेस ऑफ रेयॉन. नाउ वील डिस्कस अबाउट द सेकेंड सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नायलॉन. नायलॉन आप देखते हो आज की डेट में नायलॉन जो है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है, चीप है, और एक तरीके से कह सकते हैं नायलॉन जो है इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिल्क. जिस प्रकार से सिल्क का कपड़ा आपने देखा है, सिल्क में चमक होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, सॉफ्ट होता है, बट सिल्क जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो उसकी जगह पे आज की डेट में हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं. इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1930, 1930 में पहली बार नायलॉन इंट्रोड्यूस हुआ था. इट इज़ अ पॉलीमर मेड फ्रॉम टू काइंड ऑफ मोनोमर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू नायलॉन तैयार होता है. टाइप्स ऑफ नायलॉन आपके, नायलॉन 6, नायलॉन 6.6 एंड नायलॉन 5.10. दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ नायलॉन्स प्रेजेंट इन द मार्केट, ऑफ विच कम्स इन द मार्केट. अब इसकी जो है शाइन की वजह से ये सिल्क का सब्स्टिट्यूट होता है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं. वील डिस्कस द यूजेज ऑफ नायलॉन. नंबर वन, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक मटेरियल. मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, जिसके कारण इट इज़ यूज इन मेकिंग सॉक्स, स्टॉकिंग्स, ट्रैक सूट्स, कॉम्बैट यूनिफॉर्म एंड पैराशूट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है. सेकेंड इज
इट इज़ लाइट रिंकल रेजिस्टेंट इजी टू वॉश. रिंकल मीन्स सिकुड़न नहीं पैदा होती है, सिकुड़न से फ्री होता है, हल्का होता है और आसानी धुल सकता है. सो इट इज़ यूज इन मेकिंग गारमेंट्स लाइक साड़ीज. नेक्स्ट इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राइज क्विकली. बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करता है और आसानी से सूख जाता है, इसलिए जो है स्विम सूट्स में इसका इस्तेमाल हम करते फॉर मेकिंग स्विम सूट्स. एंड नेक्स्ट यूज इज ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. इट इज़ यूज इन मेकिंग टायर कॉर्ड्स. टायर कॉर्ड के जो आपको अभी मैंने बताया जिस प्रकार से रेयन इस्तेमाल होता है टायर्स बनाने के लिए, उस प्रकार से नायलॉन भी. और एक और बहुत ही अच्छा नायलॉन का यूज़ है नायलॉन रोप्स. नायलॉन की रस्सियाँ बनाते जो माउंटेनिंग, आपने देखा पर्वतारोहणी जो होते हैं जो पर्वत वगैरह चढ़ते माउंटेनिंग करते हैं, उनको जो रोप्स टाई अप होती हैं उनकी बॉडी के, दे ऑल आर मेड अप फ्रॉम नायलॉन. सो दीज वर द टू सिंथेटिक फाइबर्स वी हैव डिस्कस हाउ दे आर मेड एंड वॉट आर द यूजेज ऑफ दीज टू सिंथेटिक फाइबर. ऑन बेस्ड ऑफ दिस डिस्कशन आई हैव गिवन यू थ्री क्वेश्चंस. नंबर वन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेयन फ्रॉम वुड पल्प. वुड पल्प से रेयन कैसे मैन्युफैक्चर होता है, यू हैव टू टेल दैट. नेक्स्ट इज लिस्ट फोर यूजेज ऑफ रेयन एंड नायलॉन ईच. आपको नायलॉन और रेयन के चार चार यूजेज बताने हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई नायलॉन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड मटीरियल फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स. नायलॉन जो होता है वो फिशिंग जो मछली पकड़ने के लिए हम नेट्स बनाते हैं उनके लिए जो है ना एक अच्छा मटीरियल क्यों साबित होता है, यू हैव टू पॉइंट आउट द रीज़न. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.